बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को गुलाम बनाने की साजिश करने वाले नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। आप लोगों को मालूम हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश को बेचने की साजिश शुरू की है। इससे पहले उन्होंने देश के नवरत्न कंपनियों को बेचना शुरू किया, रेल बेचना शुरू किया, हवाई अड्डा बेचा, बड़े बड़े जंक्शन बेचे और सार्वजनिक जो तेल कंपनियां थी उनको बेचा। और इनको बेचने के बाद भी जब नरेंद्र मोदी का होश ठिकाने नहीं आया तो आज इन्होंने किसान की खेती बेचने की साजिश के तहत किसान विरोधी तीन काला कानून केंद्रीय में चोरी चुपके से मनमानी ढंग से गैर लोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने कानून बनाया है। आप देखते हैं इन कानून के अगर बन जाए तो किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी, कहीं मंडी नहीं रहेगा, कंपनी वाले लोग मनमानी ढंग से किसान का सामान खरीदेंगे और किसानों के जो लंबी मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम प्राइस का कोई जिक्र इस काला कानून में नहीं है। ये बिजली व्यवस्था को भी कंपनी राज को देने की साजिश नरेंद्र मोदी ने कानून बना के किया है। इन तमाम काले कानून के खिलाफ भारत के लाखों लाख किसानों ने जिस तरह से आप देखा कि आज 8 तारीख 9 दिन तक दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये चंद किसान है, आए बंदर इधर उधर, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ आज पूरा भारत का चक्का जाम है किसानों के समर्थन में। और आप भी किसान हैं, हम सब अनाज पैदा होता है किसान का, तभी हमारा पेट भरता है, तभी हमारी ताकत बनती है, तभी उस ताकत से आज टेम्पू चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। और आज इन तमाम किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने जो साजिश की है और 50 लाख से ज्यादा किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है, फिर भी नरेंद्र मोदी का होश ठिकाने में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये चंद किसान है। हम आगाह करना चाहते हैं कि चंद किसान नहीं, पूरे भारत का किसान, पूरे भारत का मजदूर, पूरे भारत का जनता किसान की खेती बेचने के खिलाफ खड़ा है। और जब तक तुम तीनों काला कानून को रद्द नहीं करोगे, संसद बुला के वापस नहीं लोगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों। इसलिए आपकी हमदर्दी चाहिए। एक घंटा दो घंटे की दिक्कत से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने हमारी खेती को बेचने की साजिश की है। हम मांग करते हैं किसानों का सामान, चाहे खाद हो, चाहे अनाज हो, चावल हो, दाल हो, आलू हो, प्याज हो, उसके गांव में जाके सरकार खरीदने के इंतजाम करे। न्यूनतम प्राइस देना होगा, न्यूनतम मूल्य खाद्य सामान का देना होगा किसानों को। और जो भी कोई ऐसा आदमी उसके न्यूनतम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर खरीदेगा, उसको कमर में हथकड़ी, जेल में कमर जेल, हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सी ला के जेल में डालना होगा। ऐसा जो कानून था, इस कानून को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को सामान खरीदने की छूट दी गई, कोई कानून नहीं। और आपके पास न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्होंने घोषित नहीं किया है। दोस्तों जब आपके पास अनाज पैदा होंगे, खाद पैदा होंगे, जूट पैदा होता है, आपके पास महाजन आपके दरवाजे में खड़े रहते हैं, आपका सामान, आप की चीज जो सामान मार्केट से खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता बाल बच्चा के लिए खरीदते हैं, बच्चे को ट्यूशन की पढ़ाई का फीस देना है, इन तमाम चीज के लिए आपको औने पौने दाम में आपको अपना सामान बेचता है। कितनी विडंबना है कि एक किलो अनाज बिकता है आपको 11 रुपया में, एक किलो धान, और एक किलो पानी बिकता है 20 रुपया में। ये देश को बेचने की साजिश किया है दोस्तों, हम सब लोगों को गुलाम बनाने की साजिश किया है। इसलिए हम आग्रह करते हैं 8 तारीख को जो मंगलवार का आने वाला दिन है, पूरा भारत बंद रहेगा, पारसोई भी बंद रहेगा। ये देखते हैं पुलिस खड़ी है हमारे सामने वॉच करने के लिए, और पुलिस के सामने
ये 18 चक्का की गाड़ी ग्रामीण सड़क पर चली गई, इनका होश नहीं है। इन ग्रामीण सड़कों पर 50-50 टन, 60-70 टन गाड़ियां पुलिस के साजिश से चल रही है दोस्तों। और आज पुलिस हमारी निगरानी करने आए हैं। मैं देखता हूं दोस्तों, ये जो देखते हैं ब्लॉक चौक से लेकर के ब्लॉक में जाने का रास्ता, तमाम रास्ता को सीओ ने बेच दिया। और आज जो हमारे मजदूर किसान अलग अलग सार्वजनिक जगह में दुकान खोलकर रोजी रोजगार हासिल करना चाहता है, उसमें ये सीओ जाके अड़ लगा है। इस सीओ को मैं तमीज सिखा दूंगा। इन्होंने बिहोर बाजार में हमारे चंद किसानों का, चंद मजदूरों को दुकान को उजाड़ने की साजिश की है। मैं सीओ को चुनौती देता हूं, जब तक सीओ ऑफिस से निकलते हो कितनी दुकानें अवैध रूप से बन गई, कौन बनाया इस दुकान को, किसने इजाजत दी, ये लोग तुम लोग का भानो है रे, तो तुम जाता है हमारा किसान को रोजी रोटी उजाड़ने के लिए। इसलिए दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का भवन ही हो सकता है, अंबानी अडानी हमारा कुछ नहीं है। इसलिए हम अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए, किसानों ने जो अपना खून पसीना बहा के एक एक दाना अनाज पैदा करता है और उस दाना को कौड़ी का मोल बेचने की साजिश के तहत नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अडानी को इजाजत दी है। और ये कानून पास हो जाएगा तो जन वितरण प्रणाली बन जाएगा, राशन कार्ड बंद हो जाएगा। और आज ये जब जमा हो जाएगा, जमाखोरी कर लेंगे। आज आपको मालूम है कि नहीं, जमाखोरी नहीं करनी है अनाज का, चावल का, दाल का, आलू का, प्याज का। जमाखोरी करने वाले को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जेल में रखा जाएगा। लेकिन जो अभी नया कानून बनाया है, इन चीजों को आवश्यक वस्तु नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है, पेट की भूख रहे आपकी कोई नरेंद्र मोदी को परवाह नहीं है। लेकिन अंबानी की दौलत में दिन दुनी रात चौगुनी इजाफा हो, इसकी इसलिए परवाह है। इसलिए दोस्तों, पूरा देश जाग गया है इस देश के खिलाफ जो कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उस कानून के खिलाफ आज पूरे भारत का चक्का जाम है। और आने वाला दिन में 8 तारीख को जो मंगलवार है, पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा। हम गुजारिश करते हैं भारत के एक एक जनता को, भारत के एक एक दुकानदार को, अपने अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, आने वाला दिन में वहां जो अकाल पैदा करने की साजिश नरेंद्र मोदी कर रहा है, जन वितरण प्रणाली को खत्म करने की साजिश कर रहा है, हम पुलिस के बंदों से भी बोलते हैं, इस अकाल का मुकाबला आप सबको करना होगा। आज 11 रुपया चावल बिकता है, 20 रुपया, तो कल 200 रुपया चावल बेचने के, खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं, प्रवासी मजदूर जो आए भूख प्यास से, उसका कोई इंतजाम नहीं। इसलिए दोस्तों, आज का जाम हम लोग का सफल हुआ। और आने वाला 8 तारीख को भी पूरा भारत बंद रहेगा, बारसोई भी बंद रहेगा। मैं अपनी इस आवाज के माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि पूरा भारत बंद रहेगा तो बारसोई का नपुंसक है जी, बारसोई भी बंद रहेगा और दंके की चोट पर बंद रहेगा। हम किसानों को गुलाम बनाने की साजिश नरेंद्र मोदी को नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत गुलाम कैसे बना था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को राज करने का, व्यवसाय करने का इजाजत शाहजहां ने दी थी। और एक आईना दिखा के 1 किलो सोना लेके गया, और आज वही साजिश ये लोग कर रहे हैं। ये साजिश कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। नारा लगाओ इनकलाब।